इन दोनों ही सवालों में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये log m प्लस log n के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, मतलब कि log m इंटू n इज इक्वल टू log 5। और दोनों ही जगह पे अगर log कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, मतलब कि 4 इज इक्वल टू 5। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 मतलब कि 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। देयरफॉर एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि log m प्लस log n के फॉर्म पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं log m इंटू n इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसे हम पावर log के थ्रू से लिख सकते हैं log ऑफ 2 टू दी पावर 4 प्लस log ऑफ 3 टू टू पावर 2 मतलब कि 3 का स्क्वायर। और log m इंटू n इसे हम एज इट इज लिखते हैं log, या फिर इसे हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर 4 मतलब कि 16 प्लस log 9, और log ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ m इंटू n मतलब कि 16 इंटू 9, और log ऑफ x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ 16 इंटू 9 होता है 144। तो यहाँ पे हम log log अगर कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 144, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 13। तो यहां पे भी हमें x का वैल्यू मिल गया। थैंक यू।